महाराष्ट्र के पालघर में बीजेपी की जीत के बाद उद्धव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला किया, लेकिन गठबंधन को लेकर कुछ नहीं बोला। उद्धव ने गठबंधन तोड़ने पर कोई बात नहीं की। महाराष्ट्र में पालघर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने के बाद शिवसेना और बीजेपी के बीच तकरार फिर उभर के सामने आ गई है। उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पिछले 4 साल में मोदी सरकार ने बहुमत गंवा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब दोस्त की जरूरत नहीं रही। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तानस कसते हुए उद्धव ने कहा, योगी आदित्यनाथ अपने घर में चुनाव हार रहे हैं और यहां महाराष्ट्र प्रचार करने आ रहे हैं, उनके दिन अब लग चुके हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शिवसेना प्रत्याशी श्रीनिवास वंगा को हराते हुए बीजेपी के राजेंद्र गावित इस सीट पर पार्टी का कब्जा बरकरार रखने में सफल रहे। साल 2014 का लोकसभा चुनाव इन दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था। उपचुनाव में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव मैदान में उतरी थी। पालघर में बीजेपी प्रत्याशी ने शिवसेना के उम्मीदवार को हरा दिया। बीजेपी और शिवसेना के बीच लंबे अरसे तक गठबंधन रहा है, लेकिन हाल के दिनों में दोनों दलों के बीच खटास बढ़ गई थी, जिसके चलते दोनों अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे। उद्धव ने कहा कि बीजेपी को अब दोस्त की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो लोगों को लगा था कि यह सरकार लंबी चलेगी, लेकिन पिछले 4 साल में बीजेपी ने कई जगहों पर अपना बहुमत खो दिया है। शिवसेना ने चुनाव आयोग से वोटिंग पैटर्न में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिवसेना ने चुनाव आयोग से पालघर में रिजल्ट रोकने की मांग भी की। हालांकि चुनाव आयोग ने शिवसेना के ऐतराज को खारिज कर दिया।